السلام عليكم أبا. وعليكم السلام. ये लो ना बेटा, अपनी सहेली के लिए अच्छा सा जाके गिफ्ट खरीदो। मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरी बेटी अभी तक नाराज है मुझसे। अरे मैं तो मुदस्सर साहब से तुम्हारे लिए उधार लेकर आया हूँ। उधार लेने की क्या जरूरत थी? राहत, उससे अपनी बेटी का खास चेहरा देखा नहीं जाता। आज जब मैं दफ्तर में था तो इतना परेशान था कि समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। वो तो अल्लाह भला करे मुदस्सर साहब का, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने फौरन मुझे 5,000 रुपये उधार दे दिए। अब्बा, किसी खास जरूरत के लिए उधार उठाना ठीक है, लेकिन किसी फजूल ख्वाहिशात के लिए ना उधार नहीं लेना चाहिए। बेटा, जब माँ बाप औलाद की ख्वाहिश को पूरा ना कर सके तो उनके दिल पर क्या गुजरती है जब आप लोग नहीं समझोगे। और औलाद इतनी सर फेरी कि खुद ही जाके सहेली से उधार ले लिया। नहीं बेटा नहीं, अब तुमने किसी से उधार नहीं लेना। ये पैसे अपनी सहेली को वापस करो। और हाँ, उसकी सालगिरह है कब? कल। अच्छा बेटा, जाओ जाके खुशी से तैयारी करो और सुबह याद से गिफ्ट भी लेना। अरे लो ना बेटा, रख लो ना। अब्बा, आपके लिए खाना लाऊं? नहीं बेटा, मैंने घर का राशन लाना है। कल भी राशन नहीं ला सका था, मैं लेकर आता हूं। चाय की पत्ती है और ना दूध, और चले हो तुम चाय बना। ये घरदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई। गांव में होते थे तो अम्मा ने आज तक पानी का गिलास तक नहीं उठाया था। यहाँ पे कपड़े भी धोए और चाय भी बना। ले आई किस मकान पे